हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, इमली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 दिल्ली नेल में, एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, इमली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 दिल्ली नेल में, एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें।
आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने। स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ
गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने। स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स,
सीकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बेली नेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स लेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइडो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वी प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बेली नेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स लेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइडो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वी प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बेली नेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स लेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने।
या बेस्ड शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मेसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने, एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरो की लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने, यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मेसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने, एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरो की लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने, यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मेसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने, एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरो की लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैपरो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैपरो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने। स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैपरो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी।
द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गुस्ताव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गुस्ताव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गुस्ताव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने। स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर।
प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सीकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वी प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बेलिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स लेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सीकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वी प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बेलिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स लेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सीकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वी प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बेलिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स लेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें।
आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ
गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने। स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स,
सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 दिल्ली नेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने। स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मेसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैपरो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 दिल्ली नेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने। स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मेसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैपरो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 दिल्ली नेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने। स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने।
यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवी, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने, एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में, एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवी, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने, एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में, एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवी, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने, एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में, एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मेसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैपरो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरो की लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मेसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैपरो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरो की लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने। स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मेसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैपरो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी।
The film was noted for its soundtrack, which prominently used classical music such as that of Gustav Mahler, as well as modern classical music by composers such as Krzysztof Penderecki, Giacomo Ligeti, John Cage, Ingram Marshall and Max Reicher. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइज। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिट्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, इमली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव महिला, एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, जायरो लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रेम मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइज। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिट्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, इमली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव महिला, एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, जायरो लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रेम मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइज। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने। स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिट्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, इमली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर।
प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बेलिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरो की लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रेम मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैपरो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बेलिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरो की लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रेम मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैपरो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बेलिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरो की लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रेम मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें।
आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ
गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, इमली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, इमली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, इमली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन।
डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 दिल्ली नेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मेसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 दिल्ली नेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मेसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 दिल्ली नेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन।
इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवी, अर्नोन डब्ल्यू मेसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने, एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बेलिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवी, अर्नोन डब्ल्यू मेसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने, एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बेलिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवी, अर्नोन डब्ल्यू मेसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने, एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बेलिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें।
आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडले जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडले जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी, ज़ायरोकी लिगेटी, जॉन कैग, इंग्रे मार्शल एंड मिक्स रेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने। स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडले जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूलमेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ
गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स लेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स लेशर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। उसका नाम है शटर आइलैंड। काफ़ी अच्छी अर्निंग करी थी इस मूवी ने। शटर आइलैंड 2010 में आई थी गाइस। फ्रेंड्स, रिव्यू से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शटर आइलैंड 2010 में आई अमेरिकन न्यूयॉर्क साइकोलॉजिकल फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, स्क्रीन पर दिया था लेट कैलोग्रिड्स ने। यह बेस्ड है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था माइक मेडोवे, अर्नोन डब्ल्यू मैसर, ब्रैडली जे फिशर, मार्टिन स्कॉर्सेस। इसके स्टार्स हैं लियोनार्डो डी कैप्रो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले, माइकल विलियम्स, एमिली मोर्टिमर, पैट्रिका क्लैक्सन, मैक्स वॉन शाइरो। सिनेमेटोग्राफी दी थी रॉबर्ट रिचर्डसन ने। एडिट किया था थैलेमा स्कूल मेकर। प्रोडक्शन कंपनी थी फोनोएक्स पिक्चर्स, सिकेलिया प्रोडक्शन, एपीएन वे प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको पैरामाउंट पिक्चर्स ने। इसकी रिलीज डेट थी 13th of February 2010 बर्लिनेल में एंड 19th of February 2010 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 139 मिनट का था। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। $80 मिलियन का इसका बजट था एंड $294.8 मिलियन की काफ़ी शानदार अर्निंग इस मूवी ने करी। द फिल्म वॉज नोटेड फॉर इट्स साउंड ट्रैक विच प्रोमिनेंटली यूज क्लासिकल म्यूजिक सच एज दैट ऑफ गस्तव माहलर एज वेल एज मॉडर्न क्लासिकल म्यूजिक बाय कंपोजर सच एज क्रिस्टोफिक पेंड्रिकी ज़ायरोकी लिगेटी जॉन कैग इंग्रे मार्शल एंड मिक्स लेशर।